हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ जो न्यू जियो का फोन है ऐप 320 बी, इसको आपको हार्ड रिसेट कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो न्यू जियो का फोन, इसका मॉडल आप देख सकते हो किस तरीके का होने वाला है। सबसे पहले आपने देखा भी होगा ये वाला फोन जो इस टाइम ज़्यादा चल रहा है, और इसको हार्ड रिसेट कैसे करने वाले हैं इसकी नई ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ 2021 की। क्योंकि अगर आप देखोगे पहले वाले फोन, यानी काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उनमें कोई सी भी ये ट्रिक जो वर्क नहीं करने वाली है। और ये जो ट्रिक है बिल्कुल न्यू है, बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है, जिसमें कि आप जो 100% जो रिसेट आपका जो फोन है हार्ड रिसेट कर लोगे और बाकी ट्रिक इसमें काम नहीं करने वाली है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, फोन की जो बैटरी है यानी आपको इसको जो पावर ऑन ऑफ है वो आपको सिंपली कर देना है। यहां पर आप देख सकते हो पावर ऑन ऑफ वाले इस पे मैं कर देता हूं, फोन को आपको स्विच ऑफ कर लेना है। तो यहां पर मैंने कर लिया फोन को अपने स्विच ऑफ, एंड स्विच ऑफ करने के बाद आपको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आपको अभी जो इसमें ट्रिक आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देख लो तो आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ वाला एक बटन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको स्टार वाला बटन। तो आपको सिंपली करना क्या है, पावर ऑन ऑफ वाला बटन है और एक स्टार वाला बटन है, इन दोनों को आपको करना क्या, एक साथ आपको प्रेस करके रखना है दोनों बटनों को। यहाँ पर एक साथ हम जो इनको प्रेस करके रखते हैं, और प्रेस करने रखने के बाद जैसे ये फ़ोन जो हमारा ऑन होगा तो आपको पावर ऑन ऑफ वाले बटन को छोड़ देना है, और आपको जो स्टार बटन को प्रेस करके रखना है। और प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर आपको देखो बूटिंग यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। होने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर पहले क्या था कि हमारी रिकवरी सेटिंग्स यहाँ पर आ जाती थी, लेकिन अब जो हमारी रिकवरी सेटिंग यहाँ से हटा दी गई है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर रिकवरी सेटिंग कैसे आगा, तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर बस ये ट्रिक थी पहले वाले फोन नंबर, यहाँ से जो नई ट्रिक है वो अब यहाँ पर अपडेट होने के बाद स्टार्ट हुई है। तो आपको सिंपली करना क्या, अब आपको यहाँ पर वॉल्यूम डाउन वाले बटन को एक बार जो क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इसकी रिकवरी सेटिंग्स है वो यहाँ पर आ जाएगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिकवरी सेटिंग में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा जूम करके अगर यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाएगा नंबर 5 पे वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का। तो आपको सिंपली नीचे जाना है, नीचे जाना है 5 नंबर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का एक ऑप्शन। तो आपको सिंपली इस पर क्या है, आपको इस पर जो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या, आपको रेड वाले बटन पर यानी पावर ऑन ऑफ वाले बटन को आपको प्रेस करके प्रेस कर देना है, इस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक पेज और ओपन होगा, यहाँ पर आपको यस या नो का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको नीचे यस वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर पावर ऑन ऑफ वाला बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फिर एक द्वारा से यहाँ ही आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो नीचे देख सकते हो डाटा जो यहाँ पर बाय कंप्लीटेड हो चुका है। होने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर है रिबूट सिस्टम नाउ, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो फ़ोन है ना तो हैंग चलेगा, और आपका जो फ़ोन है वो हार्ड रिसेट हो जाएगा। आपको यहाँ पर आपका जो फ़ोन है तो कम्प्लीटली फिर दोबारा से ऑन होगा। तो आपको इसको थोड़ा सा क्या, आपको वेट कर लेना है, और जैसे ही आपका जो फ़ोन होगा वो कम्प्लीटली हार्ड रिसेट जो हमारा हो चुका है। अगर आपके फ़ोन में लॉक लग रहा होगा, स्क्रीन लॉक या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो सारी दूर हो जाएगी। अगर आपका फ़ोन हैंग चल रहा है तो फिर इसके बाद आपका जो फ़ोन है कभी भी हैंग नहीं चलने का, और आपका जो फ़ोन है कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑन होने तक थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो वैसे फ़ोन देख सकते हो हमारा कम्प्लीटली जो यहाँ पर ऑन होने वाला है, और यहाँ पर जो फ़ोन है हमारा वो ऑन होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे फ़ोन ऑन होगा तो सारी चीज़ें हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी, और जो हमारा फ़ोन है वो भी यहाँ पर 100% हार्ड रिसेट लग चुका है। लगने के बाद आपको सिंपली करना है कि आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट कर देना है, इसको यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पॉपअप जो विंडो आएगी, आपको सिंपली इस पर कुछ नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पर इंग्लिश पे नेक्स्ट कर देना है। इंग्लिश पे नेक्स्ट करने के बाद आपको इसको अलाउ कर देना है, और आपको फिर नेक्स्ट करना है, और आपको एक्सेप्ट क्लिक करना है, और आपको जो इस पर लेटर वाले पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करना है, हमारा जो फ़ोन है वो देख सकते हो ऑन हो चुका है कम्प्लीटली, और हार्ड रिसेट भी हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने कुछ चीज़ में पॉपअप हो जाएगा, और हमारा जो फ़ोन है वो कम्प्लीटली यहाँ पर ऑन हो चुका है। अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को बस लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर और भी प्रेस करना, जिससे आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को गाइस मिलती रहे।